हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो गाइस, आज मैं कुछ ईद स्पेशल फोटो एडिटिंग करने वाला हूँ, जो कि ये फोटो एडिट किया गया था फोटोशॉप में। ये सोनी भाई ने एडिट किया था, बहुत अच्छा एडिटर है वो। तो सबके पास तो लैपटॉप होता नहीं है कि हम लोग लैपटॉप से एडिट करें, तो मैं सोचा कि चलो भाई आप लोग के लिए मैं फ़ोन से एडिट करता हूँ और पिक्सआर्ट से आप लोग को बताऊँगा कैसे आप लोग एडिट कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। सो गाइस, मैं जो वीडियो में बनाने वाला नहीं था, बट मेरे जो हैंड वो थोड़ा फ्रैक्चर हो गया, टूट गया, तो उसके कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट सोचा कि चलो भाई, बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर भी हो रहा था यार, मैंने सोचा चलो यार इसी फोटो को मैं पिक्सआर्ट में इसको कन्वर्ट करके मैं एडिट करके आप लोगों को बताऊँगा। सो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ही लेते हैं। और हाँ गाइस, अगर आपको जानना है कि मेरा हैंड जो कैसे टूटा और कैसे नहीं, तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप जाकर उसको क्लिक करके देख लेना। और हाँ गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अच्छा नहीं लगेगा तो एकदम कुछ मत करना भाई, आप सीधा वीडियो को अनलाइक करके चले जाना गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, चलते हैं पिक्सआर्ट की तरफ और पिक्सआर्ट कर लेते हैं हम। तो गाइस, पिक्सआर्ट ऑन करने के बाद आपको मैं बता रहा हूँ गाइस कैसे कैसे करना है, फुल पोस्टर से बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद पिक्सआर्ट ऑन करने के बाद करने के आपको इस प्लस का पे क्लिक कर लेनी है, और क्लिक करने के बाद आ जानी है अपनी फाइल में। चलते अपनी फाइल में, तो हमारा फाइल ये अपनी बैकग्राउंड को जो है ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस, हमारा जो बैकग्राउंड है ओपन हो चुका है पिक्सआर्ट के अंदर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपको फ़ोटो को जो ऐड करनी है, ठीक है। तो चलते हैं ऐड फोटो में, तो फोटो को ऐड करने के लिए ऐड फोटो में जाएंगे, उसके बाद अपने फाइल में, तो अपने फाइल में आ जाते हैं और यहाँ से कर लेंगे ऐड। तो गाइस, आपको ऐसे कुछ फ़ोटो को क्लिक करवा लेनी है, ठीक है, और यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद करना है गाइस, तो गाइस डन करने के बाद करना है क्या, आपको जाना है ऐड फोटो में। उसके बाद मैं सारा का लिंक दे दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, आपको एक स्मोक लेना है, जो कि स्मोक मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड करने के बाद इसको थोड़ा साइज को बड़ा कर लेता हूँ, जब इसके नीचे लगा दूंगा। उसके बाद करना क्या है, थोड़ा ऑपोसिटी को कम कर लेनी है। उसके बाद इरेजर पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हार्डनेस को कम रखनी है, और थोड़ा ऑपोसिटी को भी कम कर देनी है। उसके बाद यहाँ से रेज कर देनी है थोड़ा, गाइस मैं थोड़ा वन हैंड से काम कर रहा हूँ, आपको भी पता ही होगा। इसमें एक वीडियो बनाया था जो कि मेरे एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं बोला था कि 15 दिन के बाद मैं एडिटिंग स्टार्ट करूँगा, बट होता है कि हमसे रहा नहीं गया यार, सोचा कि बैठे बैठे बोर हो रहा था बहुत, सोचा चलो भाई एडिटिंग करते हैं वन हैंड से ही। तो गाइस, वन हैंड से मैं एडिटिंग स्टार्ट कर लिया हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मैंने कट कर लिया है, कट करने के बाद करना है कि आपको यहाँ से कर लेनी है डन, और डन करने के बाद ऑपोजिट बना कर देख लेते हैं क्या सही कटा है कि नहीं। थोड़ा सा और कट कर लेता हूँ, तो इरेजर पे क्लिक करके थोड़ा थोड़ा और मार लेता हूँ, ऑपोजिट को कम करेंगे, हार्डनेस को कम करेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हो हमारा जो है कट हो चुका है अच्छे तरीके से, यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद क्या करना है गाइस, आपको जाना फिर से ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद अपनी फाइल में जानी है गाइस। तो हमारा जो फाइल यहाँ पे आ चुका है, तो आपको करना क्या है यहाँ से, तो गाइस यहाँ से मैं हेयर स्टाइल को ऐड कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ थोड़ा घुमा लेता हूँ। तो वैसे यहाँ पर तो ऑपोसिटी को कम कर लेंगे हम, बाकी का इरेजर क्लिक करके हम बाकी जो फालतू दिख रहा है आपको यहाँ से इरेज कर लेंगे बस। तो ऐसा देख सकते हो कि हमारा जो है कट हो चुका है, तो यहाँ से कर लेते हैं ऑपोसिटी को बढ़ा लेते हैं, और यहाँ से कर लेते हैं डन। तो डन करने के बाद क्या करना है, फिर से जानी है तो ऐड बोर्ड में, फिर उसके बाद अपनी फाइल में आ जानी है। तो अपनी फाइल में आ जाने के बाद उसके बाद ये चांद है, चांद को मैं ऐड कर ले रहा हूँ और ऐसे करके घुमा दूँगा। उसके बाद क्या करना है, आपको जाना है ब्रांडिंग मोड में, और यहाँ से कर लेंगे स्क्रीन, और यहाँ से ऐसे करके
थोड़ा सा छुआ कर देंगे, वहाँ जहाँ से करके लगा देंगे। उसके बाद यहाँ से कर लेते हैं डन, और डन करने के बाद क्या करने का आपको जाना है हेड कोडर में, उसके बाद और अपने फाइल में आ जाते हैं गाइस, और यहाँ पे ले लेंगे ये कबूतर है, ठीक है कबूतर को कर लेते हैं ऐड। इसके बाद इसको देखो गाइस, ये जो कबूतर आपको जाना क्या करना है, आपको जाना है इफेक्ट में, इफेक्ट में जाने के बाद आपको क्या बलर पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको 5% दिखेगा 1 2 3 4 5, ठीक है मौसम बलर पे क्लिक कर देना है, ठीक है मौसम बलर पे क्लिक करने के बाद रिजर पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद हल्का सा यहाँ पे इरेज कर देंगे, बाकी का छोड़ देंगे, और यहाँ से कर लेते हैं डन। तो वैसे तो साइज को छोटा कर लेंगे, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सेट कर देंगे थोड़ा छोटा करके। उसके बाद ना इरेजर पे क्लिक करना है, थोड़ा ये फालतू जो दिखा छोटा कर लेते हैं, और यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने सेकेंड पार्ट वाली है, यहाँ पे इसको सेट कर देंगे, यहाँ से कर लेते हैं डन। फिर चलते हैं एडफोर्ड में, बस आपको सारा PNG लगा देनी है। तो गाइस मैंने कुछ कुछ PNG लगा दिया है, बस एक लास्ट PNG बचा हुआ है जो कि मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको ऐड कर लेना है गाइस, और यहाँ पे रेजर पे क्लिक करेंगे और ये पार्ट को हटा देंगे, और यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद क्या करना है गाइस, चलते हैं फिर से ऐड फोटो में, और यहाँ पे अपना कुछ ईद मवाला का लोगो है, ठीक है यहाँ से कर लेते हैं ऐड, ठीक है गाइस यहाँ से कर लेते हैं ऐड। तो गाइस ऐड कर लिया, यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद क्या करना है गाइस, आपको जाना है डन। तो गाइस यहाँ पे पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे करना है कुछ कलर सेटिंग, तो चलते हैं लाइट रूम की तरफ और वहाँ पे कलर सेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं अपनी फ़ोटो को, तो ड्रा टूल में जाकर अपनी 3 डॉट पे क्लिक करके फ़ोटो कर लेनी है सेव, और चलते हैं लाइट रूम की तरफ। तो गाइस लाइट रूम ओपन कर लिए हैं, तो ये अपनी फ़ोटो को ऐड कर लेते हैं। तो चलते हैं अपनी फाइल में, अपने फाइल में आ जाने के बाद अपनी फ़ोटो को यहाँ से कर लेंगे ऐड। तो हमारा जो फ़ोटो है ऐड हो चुका है गाइस, तो इसको कर लेते हैं ओपन। तो ओपन करने के बाद क्या करना है गाइस, आपको लाइट पे क्लिक करना है, थोड़ा यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट, तो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट को देख लेते हैं गाइस, तो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट को रखेंगे कम। उसके बाद थोड़ा हाईलाइट को भी थोड़ा सा बढ़ा कर रखेंगे, थोड़ा साइडों को बढ़ा देंगे। वाइट बैलेंस, तो वाइट बैलेंस को छोड़ देते हैं, और ब्लैक को यहाँ पे कम कर देंगे, ठीक है। उसके क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद मिक्स पे क्लिक करेंगे, और मिक्स पे क्लिक करने के बाद थोड़ा यू को थोड़ा बढ़ा देंगे यू को। उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सैचुरेशन को आपको यहाँ पे कम कर देनी है, थोड़ा लुमिनस को, तो लुमिनस को थोड़ा सा आपको बढ़ा देनी है। उसके आगे करना है गाइस, आपको ब्लू टोन पे क्लिक करना है, थोड़ा यू को आपको कम कर देनी है, और थोड़ा सैचुरेशन को आपको यहाँ पे बढ़ा देनी है। लुमिनस को, तो लुमिनस को हल्का सा मैं यहाँ पे कम कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे ऑरेंज पे क्लिक करना है, थोड़ा लुमिनस को आपको यहाँ पे बढ़ा देनी है। उसके आगे करना है आपको यहाँ पे थोड़ा सैचुरेशन को आपको यहाँ पे कम रखनी है। उसके बाद यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद क्या करना है गाइस, आपको थोड़ा यहाँ पे सैचुरेशन को यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देनी है, थोड़ा वाइब्रेंस को यहाँ पे बढ़ा देते हैं गाइस। उसके बाद क्या करना है, थोड़ा टैम्प को, तो यहाँ पे थोड़ा ब्लू टोन देने के लिए मैं थोड़ा बढ़ा दूँगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है गाइस, आपको इस पर क्लिक करना है, थोड़ा क्लैरिटी को बढ़ा लेते हैं। क्लैरिटी को थोड़ा बढ़ाने के बाद क्या करना है, थोड़ा वाइब्रेट को यहाँ पे बढ़ा देंगे, तो वाइब्रेट को मैं बढ़ा लिया गाइस। उसके क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ से थोड़ा स्लाइड करेंगे, इस पर जाएंगे, थोड़ा सॉफ्टनेस को बढ़ा लेंगे, और सॉफ्टनेस को बढ़ाने में क्या करना है गाइस, उसके बाद यहाँ पे नॉइस को बढ़ा लेंगे, ताकि जो फेस है स्मूथ हो जाए अच्छे तरीके से। उसके बाद क्या करना है, कलर नॉइस को भी बढ़ा लेंगे। सो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो फोटो है बहुत अच्छे तरीके से एडिट हो चुका है। सो गाइस आपको दिखाना चाहूँगा कि पहले कैसे फोटो था, अब कैसे फोटो यहाँ पे एडिट हो चुका है। तो मैं दिखा रहा हूँ, देखो गाइस ये था पिक्सार्ट में, और लाइट रूम आने के बाद तो फोटो का कलर ही चेंज हो जाता है गाइस। तो यही मेन होता है कलर सेटिंग करना, तो आपको पता ही हो गया गाइस। तो गाइस आप देख सकते हो कितना बेहतरीन लग रहा है फोटो देखने से, एकदम मस्त वही लग रही है। अब इसको क्या करना है, आप सेव करना है, तो 3 डॉट पे क्लिक करके स्लाइड करना है, सेव टू डिवाइस पे क्लिक करके फोटो कर लेनी है सेव। तो गाइस हमारा जो फोटो है सेव हो चुका है। तो गाइस आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और साथ ही जितना अच्छा लगे अपने फ्रेंड लोग को शेयर कर देना। सो गाइस फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ गाइस। ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।